बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम काशकार दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। काशकार दोस्तों, आज हम एक ऐसे चारे के बारे में इस वीडियो में बात करें जो कि एक दफ़ा काश्त करने के बाद कई साल तक आप उसको कटिंग करके अपने जो है ना जानवरों को खिला सकते हैं या इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आप बड़ी मकदार पर ज़्यादा पैमाने पर काश्त करना चाह रहे हैं तो। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होती है। आज की हमारी वीडियो होगी रोड ग्रास घास के बारे में, जी हाँ चारे के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको हमारी बर वक्त पहुँच सके और आप देखते रहें। तो काशकार दोस्तों, इस चारे का नाम रोड ग्रास है जो कि कलर चारे या कलर घास से जो है ना मिलता जुलता है, लेकिन कलर चारे इसकी से ये हट गया है। ये कलराठी ज़मीन में भी काश्त हो जाती है। अगर आप इस पर एक ही दफ़ा काश्त करेंगे यानी एक दफ़ा इसको लगाएंगे तो कई साल इसको आप जो है ना कटिंग करते रहेंगे। इसमें वाफर यानी ज़्यादा मकदार में प्रोटीन मौजूद होती है जो कि जानवरों को खिलाने से आपके जानवर सेहतमंद रहेंगे और अगर दूध देने वाले हैं तो दूध में उनके यहाँ इजाफा होगा। तो ये तकरीबन हर ज़मीन में कलराठी ज़्यादा ना हो, हल्की कलराठी ज़मीनों में भी काश किया जा सकता है। एक दफ़ा लगता है ये कटिंग, जिसकी 12 महीना जो ना आप कटिंग करते रहेंगे, तकरीबन ये साल में 6 बार इसकी कटिंग होती है। फिर अगले साल आप जो है ना इसकी जो है ना पानी वगैरह कुछ खाद वगैरह डालकर इसको आप इसकी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो ये तकरीबन बड़े जो फार्मर्स होते हैं ये एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर ममालिक में, जिसमें ऊँट नहीं वगैरह ये शौक से खाते हैं इसको सुखा के, या जैसे कि हमारे अरब ममालिक हैं जिसमें दुबई आ जाती है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर।